नमस्कार मित्र, मैं आपका दोस्त उपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गोल्डन कार्ड में। तो मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे हैं और आनंद में। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन पर क्लिक करके आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू कर। मित्रों, आज अपनी इस वीडियो में हम आपके मन में चल रहे कुछ सवालों के संबंध में बात करेंगे। तो बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। दोस्तों, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियोस में भी देख रहे हैं कि शिबा इनू कॉइन एक रुपया जाने वाला है, एक डॉलर भी जाने वाला है और ये सब बातें हमारे मन में चल ही रही थी कि सुनने लगे कि बेबी डॉज कॉइन शिबा इनू से पहले आगे निकल और साथ ही एक नया कॉइन आया था ब्राइज यानी बिटगर्ड, जिसके द्वारा ज्यादा मुनाफा देने की खबरें आने लगी। तो आखिर होगा क्या? आपके मन में चल रहे सवाल ये हैं कि शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करें या बेबी डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करें या फिर हम ब्राइज पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, कॉइन तो सारे ही फायदा देने वाले हैं। आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि इन तीनों में से बढ़िया वाला कौन सा है और कौन सा आपको अगले बुल रन में ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। वैसे तो ये तीनों ही कॉइन मीम कैटेगरी के कॉइन है। शिबा इनू कॉइन भी मीम कैटेगरी में समझते हैं, परंतु शिबा इनू कॉइन जिन प्रोजेक्ट्स के पर काम कर रहा है उनके द्वारा वो अपने ऊपर से मीम कॉइन का टैग हटाने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सफल भी रहा है, परंतु कुछ ज्यादा बड़ा उछाल नहीं आया। अगर हम देखें तो 2022-23 में 30-40% तक के ही बदलाव देखे गए हैं। वही बेबी डॉज कॉइन को देखें तो 200-300% के बदलाव देखे गए हैं। साथ ही कुछ और भी खबरें आई जिनकी वजह से पिछले हफ्ते में और आजकल कुछ नए उछाल देखने को मिले, जैसे कि बेबी डॉज कॉइन वर्ल्ड लेवल के टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंज में से किसी एक पर लिस्ट होने वाला है, जिसकी वजह से इसमें 25-50% तक के उछाल देखे गए। बेबी डॉज कॉइन शिबा इनू कॉइन के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि लंबी रेस का घोड़ा कौन सा है तो बेबी डॉज कॉइन ने भी हर वही काम किया है जो शिबा इनू कॉइन ने किया है। जैसे कि बेबी डॉज कॉइन ने शिबा इनू कॉइन की ही तरह अपना बर्न पोर्टल लाया, मेटावर्स में भी आया, तो हर काम शिबा इनू के नक्शे कदम पर ही कर रहा है। लेकिन क्या शिबा इनू कॉइन ने जितना प्रॉफिट दिया है क्या बेबी डॉज कॉइन ने भी दिया है? जी नहीं, दोनों की सप्लाई भी अनलिमिटेड है। पर इसका मतलब यह नहीं कि बेबी डॉज कॉइन भी प्रॉफिट नहीं देगा। देगा और जरूर देगा, पर हमारा मानना है कि शिबा इनू कॉइन ही अधिक रफ्तार से और ज्यादा प्रॉफिट देगा। बेशक अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, पर जिस दिन जागेगा उस दिन बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि शिबा इनू कॉइन काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, क्योंकि शिबा इनू कॉइन के अडॉप्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। और अभी कह सकते हैं कि आज के टाइम में बेबी डॉज कॉइन के अडॉप्शन शिबा इनू कॉइन के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बिटगर्ड कॉइन की यानी ब्राइज की। तो देखते हैं कि बिटगर्ड में पैसा इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। ब्राइज कॉइन भी डे बाय डे नई नई लिस्टिंग करता जा रहा है, जैसे कि हाल में ही उसने दो और नई लिस्टिंग की है, एक डीप कॉइन एक्सचेंज पर और दूसरी पोलोनिक एक्सचेंज पर। इससे नए नए लोगों को इसके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और साथ ही बढ़ने का। दोस्तों, पोलोनिक एक्सचेंज का यूजर बेस काफी ज्यादा है। पिछले महीने में 15-20 नई पार्टनरशिपिंग हुई, जिसकी वजह से उसके यूजर्स केस बढ़ते हैं और कॉइन और अधिक स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे कि हाल में ही जो पार्टनरशिप हुई वो कॉइन रैबिट के साथ। तो मित्रों, जितनी नई नई पार्टनरशिप होगी उससे उतना ही यूज केस बढ़ेगा और जितना यूज केस बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही प्राइस भी बढ़ेगा। तो साथ ही ब्राइज कॉइन अपनी हर महीने बर्निंग भी कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ब्राइज टोकन भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आज वीडियो में बस इतना ही। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड और भी खबरें हम लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल बटन पर क्लिक करके आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तुरंत मिल जाएं। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।